What's up, stress boys, and welcome to today's episode of Tech Scratch by Sex. Yes, that's right. And today we'll be listening to Astra by Bella from the album Home. Ab ye gana jo hai, it might be from the perspective of a girl, might be about a girl, mostly Bella's girl, we don't know about that. और हम जो करते हैं कॉन्सेप्ट एल्बम सुनने के टाइम पे, जैसे ये कॉन्सेप्ट एल्बम है, वो है हम स्पेकुलेट पहले से नहीं करते, पहले पूरा एल्बम सुनते हैं, उसके बाद वी गोना डिसाइड व्हाट दिस शिट इज अबाउट. सो अगर तुम इसके बारे में कुछ पता है, मुझे स्पॉयलर्स मत दो, मुझे जितना इंस्टाग्राम से पता चल रहा है उतना ही है. सो यार, लेट मी फिगर आउट बाय माई सेल्फ. अगर तुम्हें नहीं पता है कि हम कैसे कॉन्सेप्ट एल्बम सुनते हैं, यू शुड चेक आउट द रिव्यू ऑफ कार्निवल विच आई हैव ऑलरेडी डन, द एल्बम बाय किंग. वो जाके मेरे चैनल पे सुन लो, देख लो वीडियो, तो यू गोना गेट द आइडिया. एंड ऑल्सो, if you do not know already, I'm an artist musician myself. If you have not listened to my songs, you might want to do that. Mere channel pe jao, listen to my songs, let me know what you think about my songs, give me reviews on my songs, would mean the world to me. And if you have not subscribed to the channel yet, niche red wala button dabao, bell icon dabao yaar, kya kar rahe ho. Without further ado, you're gonna jump straight into it. This is Tech Scratch by Sex and we are listening to Astra by Bella from Home, the album. Ha, let's get it. Yeah. इतने से मुझे ये लग रहा है कि भाई दिस इस एल्बम में हेवी ऑटो ट्यून चल रहा है एंड आई एम लाइकिंग इट. कहीं मैनू ले जा तेरे नाल, यहां मुझे छोड़ो मत तुम, दिल मेरा तोड़ो मत तुम, तेरे मेरे पास ले. ओह माय गॉड, क्या कर रहा है भाई. ओह माय गॉड. So about the vocal effect that is going on right here, I can give you a little bit of idea about that. ये जो vocal effect है, सबसे पहले basic EQ किया गया इसके ऊपर, बेकार frequencies काटे गए. After that there's a mid boost और high low को cut किया गया, तो basically बस mid frequencies सुनाई दे रही है यहाँ पे तुमको. And most probably there's some distortion effect going on in it. और autotune तो है ही, a little bit of reverb, that's how he's doing it. This is amazing. मतलब मैं एक ओवरव्यू दिया, ही माइट हैव एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट विद दैट. एक बार क्रेडिट्स देख लेते भाई, मिक्सिंग किसने किया, क्या किया, बिकॉज इट इज काइंड ऑफ क्रिएटिव. इस एल्बम में बहुत क्रिएटिव काम चल रहा है. मिक्स मास्टर बेला ब्रो, प्रोड्यूस बाय जेकब लीथल बीट्स एंड बियॉन्ग. मिक्स ब्रो टाइट, यू आर वेरी गुड विद द मिक्स ब्रो. कहीं मैं ले जा तेरे नाल, यहां मुझे छोड़ो मत तुम, दिल मेरा तोड़ो मत तुम, तेरे मेरे पास ले. मैंने कागजों पे लिखे अभी तुझे फुर्सत नहीं है, कैसे तुझे तेरे हाल पे छोड़ू. मेरे दिल में जो थोड़ी जगा दी, उसे इतना ना कब्जे में कर तू. हाय मैं अब हो गई पागल, तूने आशिकी मान ली कागज. ओह माय गॉड. So dude, how creative is that? Bella actually Astra ke perspective se baat kar raha hai. The woman right here is Astra. So Bella is talking from her perspective. To gender ka jo association hai lyrics mein, main karti hu aise karke baatein kar raha hai. That is so creative bro. Is actually talking from a different person's perspective. That is amazing. कैसे तुझे तेरे हाल पे छोड़ू. मेरे दिल में जो थोड़ी जगा दी, उसे इतना ना कब्जे में कर तू. हाय मैं अब हो गई पागल, कैसे मैं तुझे इस हाल में छोड़ू. मेरे दिल में जो थोड़ी सी जगह दी तुझे, ऐसे करके उस पर कब्जा ना कर. सो ही टॉक्स टॉकिंग, शी इज टॉकिंग, एक्चुअली शी इज टॉकिंग अबाउट द स्लाइटली टॉक्सिक नेचर ऑफ बेला, दैट और द नेचर ऑफ बेला उसके धीरे से, मतलब देयर इज सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग ऑन विद बेला, राइट. सो शी इज वरीड अबाउट दैट. थोड़ी जगा दी, उसे इतना ना कब्जे में कर तू. हाय मैं अब हो गई पागल, तूने आशिकी मान ली कागज. मुझे इतना बता दे तो चैन से जी लूं कि तू मेरा है भी या नहीं. तू मेरा है भी या नहीं. तू मेरा है भी या नहीं. तू मेरा है भी. अब क्यों तेरी आंखें बातें कहती नहीं. अच्छा, तो इसलिए दो प्रोड्यूसर्स थे इस पे. दैट्स अमेजिंग ब्रो. आई लाइक द स्विच. द वाज अनप्रेडिक्टेबल. बट एक चीज देखो, वीडियो में जिसके पहले जो चीज चल रहा था, लाइक द डिफरेंट एक्टिविटीज दैट वर गोइंग ऑन इन द वीडियो, से तुम्हें पता लगेगा कि देयर इज लाइक अ लव हेट रिलेशनशिप गोइंग ऑन बिटवीन देम. दे आर कमिंग क्लोज, फिर धक्का मार देते एक दूसरे को. सो देयर इज ऑल्सो अ मैसेज विद दैट. तू मेरा है भी या नहीं. ऑलराइट. तू मेरा है. अब क्यों तेरी आंखें
बातें कहती नहीं, अब क्यों मेरे साथ तू हर पल रहती नहीं। हम दोनों गुमशुदा हैं, रास्ते करे तुझसे मिलाने की ही साजिश है, पर हो सके। वो दैट जो पीछे से वोकल आया वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम क्यूरियस हाउ डिड दैट, अगर पिच अप किया, आई डोंट नो इफ ही हैज पिच्ड इट अप एंड पुट ऑटोट्यून डिस्टॉर्शन एंड दैट मिड बूस्ट इन दैट, या फिर शायद गाया ही उतना ऊपर है और डिस्टॉर्शन लगाने के लिए इफेक्ट वैसा आ रहा है। दैट इज इंटरेस्टिंग द वे ही ऑटोमेट्स द वोकल्स। तुझसे मिलाने की ही साजिश है, पर हो सके तो तुम थोड़ा मेरे साथ चल लो ना, दिल की तो बातें कर लो ना, हम तुम कहीं दूर जाके रहे, जहाँ पे बनाया तुझे हो खुदा ने, हम तुमको वहाँ पे निहारेंगे, फिर बोलेंगी नजरें ये तेरी, तू नजरों ही नजरों में हमको चुरा ले, तू तेरी किताबों में नज़में बना दे, मैं महफिल में आना नहीं छोड़ूंगी, जो चुभने लगे छोड़ूंगी। Once again, the girl is only talking. Astra ही बात कर रही है इस पूरे सीन में। I was उसी के लिए जेंडर जब तक नहीं आ रहा था मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि चल क्या रहा है, बट या She's the one. She is so पूरी तरह से एक love hate relationship का चीज चल रहा है। In the first part, it was dark and she was like, कब्जा मत करो मेरे पे, but I cannot leave you too. And in the second part, the love वाला part जो है वो दिखाई दे रहा है कि how she is really concerned and really loves it. नहीं हारेंगे, फिर बोलेंगी नजरें ये तेरी, तू नजरों ही नजरों में हमको चुरा ले, तू तेरी किताबों में नज़में बना दे, मैं महफिल में आना नहीं छोड़ूंगी, जो चुभने लगी है ये बातें तो तेरी कसम के मैं फिर से नहीं बोलूंगी, बस ऐसे ही जाना पड़ा उसे भी, तो मुझको भुलाना पड़ा उसे भी, अब वो भी ये जानती खोया है क्या, कहंदी अब तू मेरा है भी या नहीं, ये ये कितना तू मेरा है भी या नहीं, ये ये कहंदी अब तू मेरा है भी या नहीं, ये ये कहंदी अब तू मेरा है भी या नहीं, ये ये कहंदी अब तू मेरा है। She wants Astro. जगा दिया Okay, that was a creepy ass look. मैंने क्या किया bro? Anyways, bro, that was बहुत बहुत सही penmanship and penmanship basically. I'm saying that word a lot, but हाँ, Bella से मतलब ये ऐसा creative way से मैंने mix में देखा है Bella की creativity, but लिखने में ये बहुत ज़्यादा creative था, मतलब he is creative with his work, but ये वाला बहुत ज़्यादा different था, kind of like नहीं बहुत पसंद आया मेरे को, द बीट स्विच एंड एवरीथिंग मिक्स कितना टाइट था यार, मजा आ गया यार सुन के कसम से। एंड आई रियली 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 फील लाइक कि हर गाने में ऐसे जिस तरह से दूसरे गानों का रेफरेंस है ना, दिस एल्बम इज मेंट टू बी लिसन्ड एट वंस पूरा शुरू से बात तक यार, दैट वुड मेक अ लॉट मोर सेंस विद ऑल द यू नो, जैसे तुम इस गाने में अगर तुम पिछले गाने का पार्ट सुनोगे, जस्ट पिछला गाना सुनने के बाद अगर इसमें उसके ऐसे इफेक्ट्स रहे तो यू विल गेट द फ्लैशबैक्स ऑफ द लास्ट सॉन्ग, इट माइट मेक सम सेंस, इट मस्ट मेक सम सेंस, तो उस हिसाब से सुनने से आई गेस बेटर रहेगा, पर क्या ही कर सकते हैं अपने भैया, गाना ही ड्रॉप कर एक एक करके, तो एक एक करके सुनेंगे बट पूरा हो जाने के बाद भी वन चेक इट आउट, ठीक है पूरा एल्बम एक साथ सुनेंगे हम, पता नहीं तुम लोगों के साथ क्या नहीं, पर हाँ तुम लोगों का काम यही है, होमवर्क यही है, सुन लेना है यार एल्बम एक कार्निवल है, ये है कॉन्सेप्ट एल्बम जो है ना यार, एक साइड से पूरा नहीं सुनो, इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस, तो मैं भी वो करूँगा तुम भी वो करना, वी कैन हैव डिस्कशंस अबाउट दैट यार क्या हो गया। रात को एक तो बाहर टहल के आ गया, पैर में दर्द हो रहा है यार, दिक्कत है बहुत है जिंदगी में। एनीवेज या लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो क्या करना है मैं पता है पहले ही बता दिया, लीव अ लाइक बिलो, इफ यू डिडंट डू नॉट हेजिटेट टू लीव इट इज लाइक, लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट द सॉन्ग एंड द वीडियो एंड माय रिव्यूज, पुट योर ओपिनियंस डाउन देयर इन द कमेंट्स, एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम एन आर्टिस्ट, यू कैन चेक आउट माई सॉन्ग्स वंस अगेन, सो या फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी ऑन डिस्कॉर्ड, उसके लिए बाय दैट वी कैन रियली गेट कनेक्टेड, आई एम काइंड ऑफ just blabbering words right now, I don't know, I'm kind of confused. Thank you so much for watching this video, man. Love you guys for real. Yeah, main blabber nahi kiya, this is real shit. Thank you so much. बचपन से बहुत प्यासा, बचपन से बहुत प्यासा, मेहनत की बहुत ज्यादा, मेहनत की बहुत ज्यादा, छुआ मैं रॉक बॉटम, बिस्तर को नोचता था, वक्त नहीं पर हौसला था, गिरने का खौफ ना था, डरने का स्कोप कहाँ था, अंधेरे पत्ते में।